हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल जैसे आप सभी को पता है कि डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के एडमिशन शुरू हो गए हैं तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैप राउंड फॉर्म फिलिंग कैसे करना है ऑल्सो जितने भी आपके बेसिक डाउट्स हैं रिगार्डिंग कैप राउंड वो सारे डाउट्स इस वीडियो के एंड तक तो क्लियर हो जाएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सुन हम लोग वन सब्सक्राइबर काउंट कम्प्लीट करने वाले हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल तो शुरू करते हैं अब हम अगर डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज हुई है फिफ्थ ऑफ दिसंबर को जो सीट मैट्रिक्स है वन का वो रिलीज हुआ है फिफ्थ ऑफ दिसंबर को उसके बाद जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग है यानी जिसमें हम हमारे चॉइस के कॉलेजेस पुट करेंगे फॉर कैपराउंड वन वो हमको पुट करना है बिटवीन सिक्स ऑफ दिसंबर से एट्थ ऑफ दिसंबर के बीच में उसके बाद नाइन्थ ऑफ दिसंबर को हमें हमारा अलॉटेड कॉलेज पता चल जाएगा देन अब हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि की कैपराउंड ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप मैं इन डिटेल बताऊंगी कि आपको आपका कैपराउंड ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कैसे करना है ऑल्सो जितने भी आपके बेसिक डाउट्स है रिगार्डिंग द कैपराउंड ऑप्शन फॉर्म फिलिंग वो इस वीडियो के एंड तक होपफुली क्लियर हो जाएंगे इवन इफ आपको अगर कोई और डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कैप राउंड ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करने से पहले अगर अब भी किसी को नहीं पता कि अपना फाइनल मेरिट स्टेटस कैसे चेक करना है तो ये प्रोसीजर ध्यान से देख लीजिए सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट लिंक्स में ये चेक फाइनल मेरिट स्टेटस पे क्लिक कर सकते हैं देन अपना एप्लीकेशन आईडी एंड बर्थ डेट डाल के सबमिट करके देख सकते हैं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट स्टेटस क्या आया है वो करने के बाद ऑल्सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स में आप सीट मैट्रिक्स भी देख सकते हैं ये सीट मैट्रिक्स एक पीडीएफ के फॉर्म में है ये पीडीएफ ऑल कॉलेजेस फ्रॉम ऑल डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड करता है और ये सीट मैट्रिक्स में आपको पता चलता है कि हर कॉलेज में कितना इनटेक है फॉर फार्मेसी तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलेज का इनटेक जानना हो तो आप ये पीडीएफ को भी रेफर कर सकते हैं तो अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप की ऑप्शन फॉर्म फिलिंग डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट्स को कैसे करना चाहिए तो सबसे फर्स्ट स्टेप पे जैसे हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो सबसे पहले हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने नजर आ जाएगा जिसमें हम एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड डाल के साइन इन करेंगे अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट है कि वो अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं उनके अकाउंट को तो आप आई कार्ड एक्सेस माई अकाउंट पे क्लिक करके फॉरगेट पासवर्ड करके प्रोसीड कर सकते हैं और अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं और याद रखिए ये पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सो तो आप कहीं तो ये पासवर्ड नोट कर लीजिए जो भी न्यू पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे वो या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी पासवर्ड है तो उसको याद रख के एक अच्छी जगह पे नोट करके रख दीजिए बिकॉज टिल द एंड ऑफ द एडमिशन आपको वो पासवर्ड की जरूरत पड़ने वाली है जब आप सक्सेसफुली लॉग इन कर लेते हैं तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है अब यहाँ पे आप ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो कैप राउंड का ऑप्शन फॉर्म है यानी चॉइसेस ऑफ कॉलेज जो आप फिल करने वाले हैं वो इनकम्प्लीट है तो अब हम आगे देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आप ये चॉइस कैसे फिल कर सकते हैं आगे के स्टेप पे हम आते हैं तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट स्टेप में शॉर्टलिस्ट करेंगे अपने ऑप्शन को तो अब हम वो कैसे करेंगे ये पूरी प्रोसीजर जो भी कैपरॉन का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग की प्रोसीजर है वो फोर स्टेप में होंगी पहले हम ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करेंगे फिर हम प्रेफरेंस सेट करेंगे कॉलेजेस के लिए फिर हमको हमारी समरी आएगी जो भी हमने प्रेफरेंस सेट किया है उसकी एक समरी एंड उसके बाद हम कंफर्मेशन करेंगे तो अब हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि हम शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे ऑप्शन फॉर्म को तो सबसे पहले हमारा कोर्स ऑलरेडी फार्मेसी सिलेक्ट होगा बिकॉज हम डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फार्मेसी कोर्स सिलेक्ट होगा उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करेंगे यानी जिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंस्टीट्यूट में हमें एडमिशन लेना है जैसे महाराष्ट्र में आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं नाशिक या फिर पुणे वो डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे जो भी डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस आपको नजर आ जाएंगे उसके बाद आप अपना कोर्स स्टेटस सिलेक्ट करेंगे यानी आपको गवर्नमेंट कोर्स चाहिए यानी आपको गवर्नमेंट चाहिए नॉन गवर्नमेंट चाहिए अनएडेड चाहिए वो सारे कोर्स स्टेटस आप सिलेक्ट करेंगे यानी किस टाइप के कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट उसके बाद आप ऑटोनॉमी स्टेटस स्टेटस करेंगे मोस्टली आप आप इसको ऑल ही रखिए उसके बाद माइनॉरिटी करेंगे कोर्स का यानी अगर आप किसी माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या वो रिलीजियस लिंग्विस्टिक कोई भी माइनॉरिटी हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं मोस्टली आप ऑल पे रखिए बिकॉज ऑल में सारे माइनॉरिटी के कॉलेजेस आपको नजर आ जाएंगे जब आप ये पूरा प्रोसीजर कर लेते हैं उसके बाद आप सर्च इंस्टीट्यूट पे क्लिक करेंगे जब आप सर्च इंस्टीट्यूट पे क्लिक करते हैं तो आपको पूरे लिस्ट ऑफ कॉलेज उनके इंस्टीट्यूट कोड इंस्टीट्यूट का नेम उनका डिस्ट्रिक्ट का नेम जो भी डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट किया है वो फिर चॉइस कोड वो सब आपको एक एज अ लिस्ट ऑफ फॉर्म में आ जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट का ऑप्शन है सबसे एंड में तो जो भी कॉलेज आपका प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज है आप वो कॉलेज के इस बॉक्स में सिलेक्ट कॉलम के इस बॉक्स में टिक करेंगे अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि मैक्सिमम हम कितने कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं तो आप मैक्सिमम 300 कॉलेज ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और मिनिमम वन कॉलेज ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं मोस्टली आप मैक्सिमम कॉलेज ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए बिकॉज चांसेस ऑफ गेटिंग अ कॉलेज इंक्रीज हो जाते हैं उससे जब आप ये कॉलेजेस के ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप एड सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जब आप जितने भी कॉलेजेस टिक करते हैं आप एड सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं एंड सेव एंड प्रोसीड कर लेते हैं उसके बाद आपके पास ये भी ऑप्शन है कि सपोज अगर आपने कोई गलती से कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया जो आपको नहीं चाहिए अभी तो आप डिलीट सिलेक्टेड ऑप्शन पे क्लिक करके उस चॉइस ऑफ कॉलेज को डिलीट कर सकते हैं एंड रिसलेक्ट करना होगा कोई कॉलेज तो वो भी कर सकते हैं ऑप्शन फॉर्म सबमिट करने के पहले आप उसको कितने बार भी एडिट कर सकते हैं दर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर एडिटिंग तो आप कितने बार भी एडिट कर सकते हैं बट सबमिट करने से पहले एक बार ऑप्शन फॉर्म सबमिट हो गया तो एडिट नहीं हो सकता जब आप सारे चॉइस ऑफ कॉलेजेस फिल कर लेंगे तो आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे अब उसके बाद के स्टेप में आप अपना प्रेफरेंस सेट करेंगे अब यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आ जाएगा जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉलम है सेट प्रेफरेंस के नाम पे और यहाँ पे दूसरा कॉलम है प्रेफरेंस नंबर जैसे जैसे सीक्वेंस में आप सेट प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके सामने आपके कॉलेज का प्रेफरेंस सिलेक्ट आ जाएगा यानी सबसे पहले जिस कॉलेज को आपने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है फिर सेकंड, थर्ड फोर्थ ऐसे सीक्वेंस वाइज जैसे आपने प्रेफरेंस दिया है वो आपको नजर आ जाएगा जब आप सेव एंड प्रोसीड कर लेंगे तो आपको तो आपको एक शॉर्ट समरी नजर आ जाएंगी जब आप चेक कर लेंगे कि आपने जो प्रेफरेंस सेट किया है वो आपके चॉइस ऑफ अकॉर्डिंग है तो आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए अगर अब भी आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग द प्रेफरेंस जो आपने सेट किया है तो आप चेंज प्रेफरेंस पे क्लिक करके बैक जाके फिर से अपना प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं याद रखिए फॉर्म सबमिट करने के पहले आप कितनी भी बार उस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो एडिट नहीं हो सकता तो अच्छे से प्रेफरेंस सेट कर लीजिए जब आप प्रेफरेंस सेट कर लेंगे तो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे अब आपको कंफर्म करना है अपना ऑप्शन फॉर्म तो वो आप कैसे करेंगे जब आप कंफर्म ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आपको आपके चॉइसेस ऑफ कोड की एक शॉर्ट समरी नजर आ जाएगी जब आप नीचे क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पे कंफर्म ऑप्शन करके एक टैब नजर आ जाएगा जब आप उस टैब पे क्लिक करते हैं तो आपको आपका पासवर्ड मांगा जाएगा फॉर वेरिफिकेशन जब आप अपना पासवर्ड यहाँ पे पुट करके वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद आपको आपका ओ आपने जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है उस पर आ जाएगा जब आप ये ओ डालेंगे तब ही ऑप्शन फॉर्म आपका वेरीफाई एंड कंफर्म हो जाएगा तो इसीलिए आपको ओ डालना जरूरी है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि ओ डालना है क्या हमें कंफर्मेशन के लिए तो ओ डालना यहाँ पे कंपलसरी है अब ये ओ डालने के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते इन योर ऑप्शन फॉर्म तो जितने भी चेंजेस करने हैं वो कंफर्म करने के पहले कर लीजिए अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट भी होता है कि क्या हम ये पूरा प्रोसीजर ऑप्शन फॉर्म फिलिंग फोन पे कर सकते हैं या लैपटॉप पे तो इजी है आप फोन पे भी कर सकते हैं बट लुकिंग एट योर कन्वीनियंस आप लैपटॉप पे करिए बिकॉज आपको आपके चॉइस ऑफ प्रेफरेंस करना ईजी हो जाएगा जस्ट कन्वीनियंस के लिए आप लैपटॉप यूज करिए अदरवाइज अगर पॉसिबल नहीं है तो आप फोन पे भी ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हैं अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑटो फ्रीज के बारे में एक डाउट है तो जैसे आप समझ लीजिए आपने फर्स्ट चॉइस ऑफ कॉलेज एक डाला और वो कॉलेज आपको अलॉट हो हो गया तो आपका फॉर्म ऑटो फ्रीज जाता है यानी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते कैप राउंड टू में आपको कंपलसरी उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा अब अगर सपोज आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं अलॉट होता है यानी आप एलिजिबल है कैप राउंड टू में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप फ्रीज नहीं करते हैं तो अगर आप बेटरमेंट के लिए जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह भी डाउट है कि क्या हम बेटरमेंट के टाइम अपना ऑप्शन फॉर्म दोबारा एडिट कर सकते हैं तो हाँ यह ऑप्शन अवेलेबल है आप बेटरमेंट के टाइम अपना ऑप्शन फॉर्म दोबारा एडिट कर सकते हैं और एडिट करके आपको कन्फर्म करना सेम प्रोसीजर फॉलो करना कम्पल्सरी है उसके बाद जब आप कन्फर्म कर देते हैं तो आप कैपराउंड टू में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं सो आई होप आपकी मोस्ट ऑफ दी डाउट रिगार्डिंग ऑप्शन फॉर्म फिलिंग क्लियर हो गए हो गए इवन इफ आपको अगर आगे कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं मैं श्योरली उस डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगी ऑल्सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू तो माई चैनल जल्दी हम वन थाउजेंड सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो आई वि रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग